तो दोस्तों, मौसम के बदलाव के बाद आखिरकार गर्मी आ ही गई है। तो अब कंबलों को ड्राई क्लीन करके धो सुखा के रखने का टाइम आ गया है। तो कई लोगों को मैं देखती हूँ कि कंबलों को फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंबल को फोल्ड कर सकते हैं। ये मेरी डबल बेड की कंबल है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। इसको थोड़ा झटक के अगर आप लोग फोल्ड करेंगे आसानी से हो जाती है सीधी, आपको बेड पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। कई लोगों को देखा मैंने बेड पे चढ़ के बहुत मुश्किल उनको होती है कंबल को फोल्ड करने में, तो उनके लिए मैं इजी तरीका लाई हूँ। बिल्कुल नीचे ही खड़े होके आप लोग एक साइड पे खड़े होके बैठ के आसानी से कर सकते हैं कंबल को फोल्ड। ये देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड किया था, फिर दोनों साइड से फोल्ड करके और फिर लंबाई में भी इसको फोल्ड करके, बस ये हो चुकी है। बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी हो जाती है फोल्ड इस तरीके से। और इसको मैं रख देती हूँ इसके बैक के अंदर, क्योंकि अब इसकी हो गई है छुट्टी। अब ये अगली सर्दी में ही निकलेंगे, तो तब तक के लिए इसको पूरी तरीके से पैक करके रख देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी मेरी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिनको ऐसी दिक्कत होती है फोल्ड करने में। ये मेरे पतला वाला कंबल है ये, और इसको भी मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से मैं इसे फोल्ड करती हूँ। ये भी बहुत आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको छटकेंगे तो आसानी से सीधा हो जाता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि ऊपर चढ़ के ही करना पड़े। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से, एक तरफ से ठीक करने के बाद दूसरी तरफ को पलट दिया है, फिर उस तरफ से भी ठीक करके, और इस तरीके से सारे कोनों को पकड़ के एक बार और छटक लीजिए इसको, तो ये पूरी सीधी हो जाएगी, अच्छी तरीके से बराबर आ जाएगी पूरा। और इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और ये इसका एक तरीका है। इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको छोटे से छोटा बना के, जो कि आपका जगह भी ज़्यादा ना ले, कम से कम जगह में हो जाए। अब ये दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें थोड़ा खुलने के चांस रहते हैं, लेकिन इस तरीके से तो आपकी कंबल जब तक आप खुद से नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खुलेगी। ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बेडशीट भी अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए रखनी है तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं फोल्ड, और उसकी तह भी ख़राब नहीं होती है बिल्कुल। और इसको भी आप जैसा रखेंगे वैसी ही ये आपको मिलेगी बिल्कुल, और सामान भी आप इधर उधर करेंगे तब भी ये खुलेगी नहीं, इसी तरीके से बनी रहती है। और सभी को मैं पहले डबल ही कर रही हूँ, डबल करने के बाद ईजी हो जाता, थोड़ा छोटा हो जाता कंबल, तो फिर फोल्ड करना आसान हो जाता है। तो इसको मैंने पहले ऊपर से उल्टी तरफ को फोल्ड किया था, और उसके बाद फिर इसको जिस तरीके से भी आप फोल्ड करना चाहें, लेकिन लास्ट में फिर इस तरीके से देखिए इसको ओवरलैप कर लेना है उससे। और ये देखिए, पूरे अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाती है, टस से मस नहीं होता इसको, कुछ होता ही नहीं है। आप बॉक्स में कहीं पर भी डाल दीजिए, कहीं पर भी ये अपने आप से तो खुलेगी नहीं जब तक आप नहीं खोलेंगे इसको। पिल्लो की तरह भी यूज़ हो जाती है, कहीं आप लोग घूमने जा रहे हैं अगर ठंडी जगहों में जा रहे हैं तो आपको ब्लैंकेट ले जाना है, तो इस तरीके से आप फोल्ड करके ले जा सकते हैं। और एक और मैं डबल बेड का आप लोगों को दिखा रही हूँ, फिर से फोल्ड करना दूसरे तरीके से। इसको भी आप लोग अच्छे से फैला लीजिए पहले, और इसको उल्टी तरफ को फोल्ड करना है, फिर ब्लैंकेट को पलट लेना है। देखिए इस तरीके से उल्टी तरफ को फोल्ड करके, अब ये उल्टी साइड है और सीधी साइड नीचे है, उल्टी साइड ऊपर है। इसको भी सेम तरीके से मैं फोल्ड करूँगी, बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, अकेले ही आप आसानी से इनको फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। और पैक करके रख लीजिए, बस अब इनकी छुट्टी है, अगले साल ही ये निकलने वाले हैं, इसीलिए अच्छी तरीके से इनको रख लीजिए। दोनों साइड से मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ इसको, और एक साइड को आपने पतला रखना है, एक साइड को चौड़ा रखना है।
दोनों बराबर नहीं करने हैं और बीच में गैप रखना है इसके। जो ब्लैंकेट दो पल्ले आप लोग इधर से उधर से जो फोल्ड कर रहे हैं ना, उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, जो कि जब आप कंबल को फोल्ड करेंगे तो एक के ऊपर एक ना आए, वरना वो ज़्यादा मोटा सा हो जाता है। तो एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, बीच में थोड़ा गैप रखेंगे तो आसानी से अच्छे से फोल्ड होगी। अब इसको बीच में से भी एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। अब जो उल्टा हमने उसको किया हुआ था एक साइड पे, उसको उसके अंदर घुसा देना है, कंबल को जो हमने पलट के रखा हुआ था हिस्सा उसके अंदर घुसा देना है। तो इस तरीके से आपकी जो ब्लैंकेट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जैसे आप रखेंगे ये वैसे ही मिलेगी आप लोगों को। और चाहे तो आप इसके अंदर एक कागज़ में नेपल्थीन की गोलियां रख सकते हैं, कपूर जिसको बोलते हैं, उससे इसकी स्मेल वगैरह इसमें कुछ रहेगी नहीं और कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है। तो इसको भी अब मैं रख रही हूँ इसके कवर बॉक्स में। और साइड में भी आप लोग डाल सकते हैं नेपल्थीन की गोलियां, चाहे तो साइड में डाल लीजिए चाहे तो सेंटर पर रख लीजिए। मैं तो साइड में दो डाल दी हैं, तो ये पूरे साल भर तक ठीक रहेगी, 6 महीने तक, पूरे अगली सर्दी आने तक ये सही रहेगी। अब ये मैं आप लोगों को एक और कंबल फोल्ड करके दिखा रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँगी। काफ़ी तरीके हैं, आप जो आप लोगों को इजी लगता है उस तरीके से कर लीजिए फोल्ड, जिस भी तरीके से हो जाए और ख़राब भी ना हो, ब्लैंकेट जैसी की तैसी बनी रहे। जब भी आप दूसरे कपड़े निकाल रहे हो तो इसके साथ इनको हिलने पे ख़राब नहीं होने चाहिए, बस इसका ध्यान रखें। अब मैंने एक कागज़ में नेपल्थीन की गोली डाल के इसके सेंटर में रख रही हूँ मैं। और एक हिस्से को आपने इसमें बड़ा रखना है, एक को छोटा रखना है एक हिस्से को, और ये देखिए इस तरीके से, और बीच में थोड़ा गैप रखना है, इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए बस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।